नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है हम आपके लिए आज जो 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे, और हर एग्जाम में इनमें से 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो डेट पूछ लें, युद्ध पूछ लें, कोई आयोजन पूछ लें या कोई संधि पूछ लें। तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा देखिए और अपना ये वीडियो रिवीजन करके अपने क्वेश्चंस को बढ़िया से याद कर लीजिए। वीडियो में सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न वही लिए हैं मैंने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इनको बीच में मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके अपना जो भी आपका मन है, कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामा गाटा मारू क्या था? तो कामा गाटा मारू एक जहाज था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहाज इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो मौलाना आजाद के द्वारा ये बात कही गई थी कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है लिखी गई थी या प्रकाशित की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ऊषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था, उनको प्यार से लोग लोकहितवादी कह के पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो 1857 की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। 1915 से 16 के बीच में जो होमरू लीग स्थापित हुई थी, कौन से दो व्यक्तियों के नेतृत्व में होमरू लीग स्थापित हुई थी? तो तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होमरू लीग को ऑपरेट किया गया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चौरी चौरा हिंसा के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थगित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थगित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती रेड शर्ट अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
नलिनी सेन गुप्ता इस क्वेश्चन के लिए सेतर हो जाएगा। देखिए यहां पर अखिल लगा दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट थी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नलिनी सेन गुप्ता थी। आजाद हिंद फौज का विचार किसके सुझाव में आया था, तो मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज का विचार सुझाया गया था। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था, तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिकी पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद पल्लव की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के तहत नेताओं के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने ग्राउंड लेवल पर सबको जोड़ने का और आंदोलन में भाग लेने का कार्य किया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था, तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के कारण महात्मा गांधी जी ने जो है फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को एक शीर्ष गीत के रूप में गाया गया, यूज किया गया। किसने गदर पार्टी स्थापित की थी, तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, तो वी वैलेंटाइन शिरोल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वी शिरोल के द्वारा तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में कहा गया था। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो महेंद्र प्रताप ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था, तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों के द्वारा मारा गया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम में मतभेद में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, या आप इसे सिर्फ स्वराज पार्टी के नाम से भी जान सकते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा कहलाता है, एक प्रकार से गांधी जी के वचनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे, तो गांधी जी के अनुसार रामराज तभी हो सकता था जब व्यक्ति सत्य पर चले और अहिंसा के मार्ग का पालन करे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र कांड जो था उसमें जतिन दास को उसके रूप में कहें तो एक प्रकार के उसके आरोप में बंदी बनाया गया था। जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने गोली मार दी थी, तो ऊधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर को, जो कि जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसके लिए गोली मार दी गई थी। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो जियात रंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो लोग उन्हें प्यार से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहते थे, पुकारते थे। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता थे। देवबंद आंदोलन जो कि यूपी, जिसको पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, मैं किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान में यूपी में प्रारंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी जो है पत्रकार के कहें तो एक प्रकार से कार्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बने। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? गांधी जी ने दांडी मार्च हेतु स्टार्टिंग की थी इस दिन। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को जाना जाता है। माफ करिएगा, 6 अप्रैल 1930 को खत्म कर दिया था, मतलब दांडी मार्च हेतु जाना जा सकता है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ। 1907 में जब विभाजन हुआ तो कौन से नंबर का अधिवेशन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा बताइएगा, पहले, दूसरे, 20वें, 25वें, 23वें, कौन से अधिवेशन में 1907 में यह विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर का जो 1919 का अधिवेशन हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, गोपाल कृष्ण गोखले उस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट बेटन योजना कहलाती है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी भाषा में सप्ताह एक पक्ष में निकलने वाला एक बार साप्ताहिकी, ये जो है बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राम राज्य में युगल सिद्धांत सत्वा अहिंसा था। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चलाया गया आंदोलन कौन सा था प्रथम जन आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था महाराष्ट्र में?
तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का श्री गणेश किया था महाराष्ट्र के अंदर। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश के विभाजन का आधार बनी माउंटबेटन योजना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल को संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हो गया? तो 1912 में बंगाल का विभाजन समाप्त हो गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का 1919 में अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वर्ष 1940 में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव दिल्ली में जो है खली कुजम्मा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेश में प्रथम स्वतंत्र सरकार स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो मुस्लिम लीग ने 1942 में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन किया गया या बनाई गई। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आरंभ किया। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपके लिए पर डे वीडियोस लेकर आते हैं। दिन भर में 3 वीडियो आते हैं, सुबह 6 बजे, इसके बाद 10 बजे और इसके बाद शाम को 7 बजे। दिन भर में ये 3 टाइम वीडियो का फिक्स है। इस टाइम पर आपके लिए वीडियो मिलते ही मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। मोस्टली कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु चैनल, अगर आप आज इससे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आज से आपकी भी पहली पसंद बनने वाला है। हम आपके लिए पर डे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस स्पीड से प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने समय की बचत करते हुए अधिक से अधिक क्वेश्चंस का रिवीजन करें और आने वाले समय में अच्छी पोस्ट के हकदार बने। दोस्तों इसके अलावा अभी तक हम 2500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस, साइंस और करेंट अवेयर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेट करता है। आपको किसी भी टॉपिक का अगर रिवीजन करना है तो आप हमें कमेंट में टॉपिक का सब्जेक्ट लिखकर भेजिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको भारत में कौन क्या से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ये एग्जाम्पल है, आगे आप खुद समझदार हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ने के लिए हमसे पूछना है या मंगाना है। साथ साथ चैनल पर लाइव क्लास भी होती है। हमारा दूसरा चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, ये मेन चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु। एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर लाइव क्लास होती है। अगर आपको वो चैनल नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर उस चैनल की लिंक दे देंगे, जिसको सब्सक्राइब करके आप पर डे लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल फ्री है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं यूज़ कर सकते हैं यूज़ करिए, सब आपके लिए ही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक को फॉरवर्ड कर दें आगे, शेयर कर दें आगे, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।